हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड। दिस इज अ लेक्चर सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी और इसमें हम जो है एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, टेस्ट सीरीज जो कि आपकी यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल एज स्टेट पीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपकी काफी ज्यादा जो है हेल्प करेंगे। लेक्चर के साथ साथ हम क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि जब आप एग्जामिनेशन में बैठे तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल हो और आपको यह पता होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन जो है किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरू करते हैं। तो 41st क्वेश्चन जो रहता है हमारे पास ये रहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नोन एज लॉर्ड क्रॉसेस एक्ट। तो लॉर्ड क्रॉस एक्ट किसको बोला जाता है? तो विस्काउंट क्रॉस जो है 1892 में जो है हमारे जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे लॉर्ड क्रॉसेस थे और इनके टाइम पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया था, इसलिए इसको जो है लॉर्ड क्रॉसेस एक्ट भी बोला जाता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है ये पोस्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा जो है क्रिएट की गई थी। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो हमारे लॉर्ड स्टेनली थे। तो ये एक बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखें। लॉर्ड क्रॉसेस एक्ट जो है हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास, इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द रेजिडरी पावर वर गिवन टू द यूपीएससी 2018 का ये जो क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन जो है क्रिएट की थी जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसिपल स्टेट्स की एक जो है यूनिट बनाई गई थी और इसकी जो भी रेजिडरी पावर थी ये जो गवर्नर जनरल जिसकी डेजिग्नेशन बाद में जो वाइसराय कर दी गई थी इनको जो है दे दी गई थी। अगर इस एक्ट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें तो कई जगह इसमें वाइसराय जो है इसमें यूज ना करके जो है वाइसराय के लिए गवर्नर जनरल ही इस एक्ट में जो है यूज किया गया है। यहाँ पर आप ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ये एक्ट में दिया गया है कि दो द गवर्नर जनरल मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन इम्पावर आइदर द फेडरल लेजिस्लेटर और प्रोविंशियल लेजिस्लेटर टू इनेक्ट लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट इनमिनेटेड इन एनी लिस्ट इन सेवन शेड्यूल। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट मीडिया एक्ट 1935 के द्वारा जो थ्री लिस्ट बनाई गई थी, प्रोविंशियल लिस्ट, फेडरल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो थ्री लिस्ट जो हमारी सेवन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी है ये गवर्नमेंट मीडिया एक्ट 1935 से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काफी इजी है, इसको हमने बहुत बार मैंने आपके साथ इसको जो है डिस्कस किया हुआ है। राइट टू प्राइवेसी जो है प्रोटेक्टेड रहती है एज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इससे रिलेटेड जो है करेक्ट है। तो आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम ग्रांटेड अंडर द पार्ट थर्ड के तहत ये जो है आ जाती है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी इन जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 में 9 जज बेंच जो थे सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये बोला था कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये एक फंडामेंटल राइट है अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको ऐसे दिखने को मिलेंगे कि आपसे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया और उसमें बोला जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दिस थिंग। मान लीजिए माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है तो एक स्टेटमेंट वो ऐसे बना के दे देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस माइनॉरिटीज एज सच। तो आपने वहीं से देख लेना भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज डिफाइन नहीं है तो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी यूपीएससी 2020 में जो है एक स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन में थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है जो बेसिक जो फीचर है उनको डिफाइन किया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन की उनको डिफाइन नहीं किया गया है। ये जो केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 की जो वर्डिक्ट थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो लाई हुई थी। तो इस तरह से आप थोड़ा स्मार्ट रहना है और स्टेटमेंट को काफी केयरफुली पढ़ के जो आपने जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, अगस्त 2017 में जो 9 जज बेंच की एक वर्डिक्ट थी जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिसमें अननैनुमसली होता है सर्वसम्मति से, यानी कि सबने एक मत दिया कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट है अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी प्रकार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आई फहिमा शरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 2019। तो फहिमा शरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में केरला हाईकोर्ट ने जो है वर्डिक्ट दी कि राइट टू इंटरनेट एक्सेस जो है फंडामेंटल राइट है और ये फॉर्म करता है पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और राइट टू इंटरनेट एक्सेस से ही रिलेटेड एक सेबू मैथ्यू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी हुई है कि राइट टू इंटरनेट एक्सेस जो है एक बेसिक फंडामेंटल राइट है और गवर्नमेंट जो उसको कर्टेल नहीं कर सकती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस के अलावा। तो इस तरह से कोई भी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट जो है किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की आती है तो वो आपने ध्यान में रखनी है। और हाई कोर्ट जो है हमारे कंट्री में अंडर द आर्टिकल 214 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश होते हैं। सो फार हमारी कंट्री में जो 25 हाई कोर्ट्स जो हो चुके हैं, लेटेस्ट हाई कोर्ट जो आंध्र प्रदेश में जो है एस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, विद रेफरेंस टू द परमिएबल जो हमारी प्रस्तावना है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर फाउंड इन द ओरिजिनल परमिएबल।
ओरिजिनल परमिवल जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो लागू हुआ था उसकी जो ओरिजिनल परमिवल थी उसमें कौन कौन से वर्ड्स थे। देखिए परमिएबल में अमेंडमेंट जो है सिर्फ एक ही बार हुई है, वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। इसके तहत जो है सेकुलर, सोशलिस्ट, एंड इंटीग्रिटी वर्ड जो है ऐड किए गए हैं। इसके बाद अभी तक परमिएबल में कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुई है, तो ये आप देख सकते हैं सोशलिस्ट ये जो वर्ड है ये ओरिजिनल परमिएबल में नहीं था, बाकी जस्टिस लिबर्टी फ्रेंडली जो है ओरिजिनल परमिएबल में थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिट्स। तो रिट्स देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट इशू करते हैं अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हाई कोर्ट इशू करते हैं अंडर द आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्लियामेंट के पास अंडर द आर्टिकल 32 ये पावर रहती है कि वो अदर कोर्ट्स को भी जो है रिट इशू करने की पावर दे सकते हैं, लेकिन सो फार पार्लियामेंट ने इस पावर का यूज नहीं किया है। सो फार हमारी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिट इशू कर सकते हैं, तो बोथ स्टेटमेंट इसमें फर्स्ट और सेकंड जो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पार्लियामेंट्स मे बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट। तो ये बिल्कुल सही बात है, अंडर द आर्टिकल 3 पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसका जो है प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट शेड्यूल जो रहती है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसने लिस्ट किया है स्टेट्स को, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट जो शेड्यूल हमारी उसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज लिस्टेड है, यूनियन एंड टेरिटरीज लिस्टेड है एंड देयर कैपिटल सिटीज। लेकिन कैपिटल सिटीज देखिए ये चीज यहाँ पर गलत हो जाएगी, कैपिटल सिटीज जो है लिस्टेड नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सी करेक्ट है, तो वन ओनली जो है इसमें जो करेक्ट हो जाएगी, राइट आंसर इज ए। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, आर्टिकल 3 जो रहता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो स्टेट करता है कि पार्लियामेंट जो लॉ के द्वारा जो फॉर्म कर सकती है न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। इंक्रीज कर सकती है एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश कम कर सकती है एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर कर सकती है बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, अल्टर कर सकती है नेम ऑफ एनी स्टेट, ये अंडर द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कर सकती है। और ये जो अमेंडमेंट्स है ये सिंपल मेजोरिटी के द्वारा की जाएंगी एंड दे आर नॉट डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती है, पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से जो है इसको पास करके जो है अल्टर कर सकती है। लेकिन अगर लैंड ट्रांसफर अगर करना है हमारी कंट्री ने किसी फॉरेन कंट्री को, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि हमने 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में देखा जहां पर बांग्लादेश को जो है लैंड ट्रांसफर किया गया था। और जो फर्स्ट शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन की वो लिस्ट करती है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, लेकिन इनकी कैपिटल सिटीज को वो लिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है और यूपीएससी 2020 में जो आया था। देखिए फ्रेंड्स जो पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं, अगर आपकी पॉलिटी में पकड़ अच्छी है तो 10 से 15 क्वेश्चन जो यूपीएससी में आते हैं उनको आप जो है 95% से 100% जो है ठीक कर सकते हैं और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो आपको बताया कि अबॉयलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो अंडर द आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रहता है, और आपको पता है कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जो हमारी राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, तो ये जो है राइट टू इक्वालिटी का जो है ये जो है पार्ट बन जाएगा। 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम आर्टिकल 23 टू 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 टू 30 एंड आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स आपको जो याद होने चाहिए, आपको इनोवेट करने के लिए भी जो है किसी स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन में जो है मेंस में जो है पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यूपीएससी 2020 का ये क्वेश्चन रहता है, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच। तो देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर जो है गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होती है टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर हमारे जो है पार्लियामेंट में पास हो जाए तो गवर्नमेंट को जो है रिमूव हो जाती है। ये आप स्क्रीन पॉज करके यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो ऐसा होता है जिसमें जो है एग्जीक्यूटिव जो हमारे एग्जीक्यूटिव होती है जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, अगर हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव बात करते हैं, उसमें पीएम आएंगे, हमारे पास प्रेसिडेंट आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, अटॉर्नी जनरल आएंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे। तो ये जो एग्जीक्यूटिव होती है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है बेसिकली ये जो है रिस्पॉन्सिबल होती है टू द लेजिस्लेटर और इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और एग्जीक्यूटिव तब तक जो है अपनी पावर में रहती है जब तक ये जो कॉन्फिडेंस जो है हाउस का जो एंजॉय करते हैं। जब ये कॉन्फिडेंस लॉस्ट कर देते हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हमारे हाउस में पास हो जाता है तो गवर्नमेंट जो है रिमूव हो जाती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है फंक्शन करता है इरिस्पेक्टिव वेदर ऑल पार्टीज हैव रिप्रेजेंटेशन और नॉट। गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होती है लोगों के द्वारा,
रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती हैं, जो इनडायरेक्टली हमारे एमपीएस होते हैं वो बाद में जो है 15% अपने में से जो है मिनिस्टर्स और पीएम जो बनाते हैं। और आप ध्यान रखें कि टोटल जो स्ट्रेंथ है मिनिस्ट्रीज की वो 15% उसके ऊपर जो कैप लगाई गई है बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। और जो यूटीज है हमारी दिल्ली और पुडुचेरी की, वहां पर मिनिस्टर्स की संख्या जो है टोटल लेजिस्लेटर के मुकाबले जो सिर्फ और सिर्फ 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन प्रिंबल्स है, प्रस्तावना से है, द परमिबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, तो इसमें पूछा गया है कि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन क्या या नहीं है। अगर आप रिमाइंड करें परमिबल के बारे में जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने तीन जो केसेस हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। एक बेरुबारी यूनियन केस था 1963 का, उसके बाद केशवानंद भाटी केस है 1973 का, उसके बाद LIC केस है 1990 का। तो बेरुबारी यूनियन केस में पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि परमिबल जो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन बाद में केशवानंद भाटी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि परमिएबल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी चीज को जो है अगेन जो है रिकन्फर्म उन्होंने जो अपनी वर्डिक्ट LIC ऑफ इंडिया केस में जो किया। तो और इसका एक जो है इसका कोई भी लीगल इफेक्ट जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमिएबल इज अ, देखिए नॉट अ पार्ट, तो देखिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। जहां जहां पर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, अब ये तीन में से आपने देखना है कि इसका कोई भी जो लीगल इफेक्ट नहीं होता है इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट्स की तरह। तो इसका डी आंसर जो है राइट जो है ये जो आंसर हो जाएगा, परमिएबल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो देखिए मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 के द्वारा जो एस्टैब्लिश हुआ है, और ये पावर ड्रॉज करता है ऑल्सो फ्रॉम एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी, ध्यान रखिएगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 के द्वारा जो एस्टैब्लिश हुआ है। दैट्स द एंड ऑफ अवर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप तक इसी तरह जो है और वीडियोस लाता रहूं, लेक्चर लाता रहूं जो आपको एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, तो आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। और काफी क्वालिटी क्वेश्चन जो मैं आपके लिए जो लेके आता हूं, जिससे आपको एक आइडिया हो रहा है कि यूपीएससी में आपने किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इस तरह के क्वेश्चन जो आपसे यूपीएससी में पूछे जाते हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।